Hello everyone and welcome back to my channel. दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं ये चार पाँच नहीं एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसमें सात प्रॉन्स है, रात को बनाए थे अर्जुना के लिए और किसी तरह मैंने नहीं खाए क्योंकि इंटरमिटेंट चालू हो चुकी थी, तो अब मैं ये खाऊंगी और आई नो इट्स वर्थ द वेट। बहुत टेस्टी बनते हैं ये बटर गार्लिक प्रॉन्स और इसको खा के फिर हम नाश्ते का प्रबंध करेंगे। तो आज का ब्रेकफास्ट है खमन ढोकला और ये मेरे पास पैकेट पड़ा हुआ था तो मैंने कहा इसका इस्तेमाल किया जाए। बहुत दिन से कुछ यमी सा इंडियन नहीं खाया तो खा लेते स्नैक्स टाइप, और ब्रेकफास्ट के लिए तो हल्का फुल्का अच्छा ही लगता है। सो लेट्स बिगिन। एक कप छोटा मैंने लिया है ये बैटर, तो बहुत ईजी है, जो स्टेप्स है वही फॉलो कर रही हूँ एग्जैक्टली, देखते हैं कैसे लगता है। और इसमें मुझे डालना है आधा कप पानी और 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल। ये मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल 2 चम्मच, बस मैं इसमें 2 चम्मच ही डाल रही हूँ अभी क्योंकि मैंने कम लिया है, ये 1 कप ही लिया है। तो इसमें आधा कप पानी, इसी के अंदर मैंने बेसन लिया था, मतलब जो भी मिक्सचर है रेडी मिक्स, आई एम श्योर इट हैज समथिंग मोर देन जस्ट बेसन। इसको अच्छे से व्हिस्क करेंगे। ये एक्चुअल में केक का टिन है तो मैं उसमें बना रही हूँ, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के इसको ग्रीस करूँगी अच्छे से, जो एक्स्ट्रा होगा वो निकाल के वापस रख सकते हैं, पर मुझे लग रहा है ये हो जाएगा पूरा। साइडों से भी इसको ग्रीस करना है, जो लग रहा है मेरे टिन की डेप्थ बहुत है तो मैं पूरा ही इसको इसमें डाल देती हूँ। मैंने इस क्वांटिटी को डबल कर लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि 1 कप से बात बनेगी नहीं, तो मैंने 2 कप के हिसाब से बनाया है। 2 कप इस बैटर में मैंने डाला है 1 कप पानी और 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। बैटर का हाल कुछ इस तरह है, बस ठीक है। अब मैं इसको रखूँगी अपने स्टीमर में, बेसिकली ये राइस कुकर में ही एक बर्तन है जिसमें यूजुअली मैं बनाती हूँ स्टीम करके चीज़ें, वो विक्रम और मेघा के घर हमने छोड़ दिया था इस बार, सब्जी वब्जी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा था आराम से खा के नेक्स्ट टाइम हम ले लेंगे, उनके घर आना जाना होता ही रहता है। तो ये मैंने रख दिया है, आज मैं ट्राई कर रही हूँ राइस कुकर के अंदर और उस बैटर को मैं रहने दूंगी वो उसमें एटलीस्ट 15 से 20 मिनट और उसके बाद मैं देखूंगी कि उसका क्या स्टेटस है। तब तक हम कर लेते हैं अपनी सीजनिंग की तैयारी। इसका उन्होंने मेजर दिया हुआ है कि अगर आप 1 चम्मच चीनी ले रहे हैं तो 4 चम्मच पानी डलेगा, अगर आप 2 चम्मच ले रहे हैं तो 8 चम्मच पानी डलेगा। तो इसमें मैंने ली है अभी 2 चम्मच क्योंकि मैं हो सकता है ज़्यादा बनाऊँ, एक और बैच लगाऊँ, तो लेट्स सी कैसा बनता है। इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच चीनी में 8 चम्मच पानी और इसको हम करेंगे बॉयल। तड़के के लिए मैंने ले लिया है 1 बड़ा टीस्पून, तड़के के लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, ये है मस्टर्ड सीड्स और इसी में मैं डालूंगी, मैंने मिर्चियों को स्लिट कर लिया था अदरवाइज वो फटेंगी, 1 चुटकी इसमें हींग भी डलेगा। ढोकला हमारा कुछ ऐसा है, यस फूल रहा है। ये तड़के के लिए मिर्ची और सरसों और इसमें है चाशनी, इसको मैंने पानी में ही अपने मिला दिया है।
और इस पानी को अब हम थोड़ा थोड़ा ढोकले पे ऊपर डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर चाकू या एक फोक से थोड़ा देखूंगी कि ये अंदर से अभी भी गीला है या फिर अंदर से सूख गया है। ऑलमोस्ट सूख गया है, बस 2 मिनट और फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। 2 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको बंद कर दिया है। एक्चुअली 1 मिनट में ही बंद कर दिया, मैंने कहा इसके अंदर स्टीम जो है उससे पकता रहेगा थोड़ा अभी भी, बिकॉज प्रोसेस तो चालू ही अंदर, एकदम से बंद नहीं होता। सो नाउ वी जस्ट गोना लेट इट कूल। ढोकला आ चुका है बाहर, अभी भी हल्का गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और फिर इसमें से निकालूंगी। मन तो बहुत कर रहा है अभी कर लूँ, बट पेशेंस। एक चीज़ गड़बड़ ये हुई है कि मेरे पास जो पैन था ना जिससे मैंने बनाया है, बेसिकली वो ऐसा है, इसके ऊपर प्लेट रखी होती है जिसके ऊपर सारा बैटर पकता है। तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो जब स्टीम हो रहा था तो नीचे से पानी उसको पुश कर रहा था और नीचे नीचे पानी उसमें घुसा जा रहा था। तो दैट इज़ वाई नीचे से आप देख सकते हो ये गीला है अभी भी। तो अगर आप घर पे बना रहे हैं तो ऐसे टिन में ना बनाएं, इसको प्रॉपर एक बंद टिन में बनाएं, नीचे से जो एकदम एक ही हो, ऐसे अलग अलग होने वाला ना हो। बट एनीवे अपना काम हो चुका है ऑलमोस्ट, हम ऐसे ही खा लेते हैं, कोई बात नहीं। ये उल्टा आप देख सकते हैं, ये ऐसा है उल्टा, ठीक है फिर भी नॉट दैट बैड। बट बीच बीच में आप देख सकते हो पानी जा चुका है, ये टिन ऐसे लग जाता है बेसिकली, सो दैट इट्स ईजियर टू टेक द केक आउट या टेक द वट एवर यू मेकिंग, ढोकला खमन जो भी। अब जो बना रहे हैं सब कुछ अच्छा अच्छा तो दिखाना नहीं होता ना, जो बना है वही दिखाना पड़ेगा, इनफैक्ट वही दिखाना चाहिए। तो मैंने दिखा दिया आपको कि क्या गलती हुई थी, और अगर आप वो गलती अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। और अब इसको हम काट लेते हैं पीसेस में और इसके ऊपर डाल देते हैं हम अपना सिरप। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी स्पिनच मशरूम ऑमलेट। मेरी कटिंग स्किल्स पे ना जाए, बेसिकली इसको छोटे छोटे चॉप करना है। अच्छे से धो दिया है स्पिनच को, अच्छे से छोटे छोटा चॉप कर दो आप। मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून बटर और इसमें अब मैं सौते करूंगी स्पिनच, चॉप स्पिनच। हल्का सा मैं नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ और अब इसको हम सौते करेंगे। आई लाइक्स द बटरी टेस्ट ऑफ इट, तो मैं बटर यूज़ कर रही हूँ। एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी और फिर मैं इसको निकाल लूँगी और फिर हम करेंगे अपने मशरूम सौते। मशरूम काट लेते हैं छोटा छोटे स्लाइसेस। इसमें आप बटर भी डाल सकते हो और आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ये मशरूम्स और स्पिनच हमारी सौते हो गई है, अब हम बनाएंगे अपना एग जिसमें हम करेंगे इसकी फिलिंग। अर्जुना वुड यू लाइक टू हैव सम चीज इन इट? यस। ओके, एग्स अब मैं एक साथ ही विस्क कर लूँगी और क्योंकि अर्जुना को चीज़ पसंद है तो हम इसमें चीज़ डालेंगे अर्जुना के ऑमलेट के लिए, बट मैं अपने वाले में चीज़ नहीं डालूंगी। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं और अपना पोशन कंट्रोल कर रहे हैं तो ट्राई नॉट टू हैव चीज़ इन एक्सेस क्वांटिटी। थोड़ा सा डालना है तो डाल लो, बट बिल्कुल ज़रा सा डालना है इफ़ यू रियली लाइक द टेस्ट ऑफ चीज़ तो अलग बात है, बट अदरवाइज ट्राई एंड अवॉइड। क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें नमक थोड़ा थोड़ा डाल दिया था स्पिनच और मशरूम में, तो इसमें भी हम डालेंगे, बट वील मेक श्योर कि हम कॉन्शियस है अबाउट हाउ मच सॉल्ट वी आर पुटिंग इन, तो थोड़ा सा कम। और साथ में मैं डालूंगी क्रश्ड पेपर।
अब हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे और जो एग हमने विस्क करे है मैं उसका आधा क्वांटिटी उसमें डाल दूंगी पैन के अंदर। ये है मोज़रेला चीज, और उसके अंदर अब हम डालेंगे स्पिनच और मशरूम्स जो हमारे तैयार है, और साथ में थोड़ा सा चीज। थोड़ा सा मैंने सीजन करने के लिए लाल मिर्च भी डाल दिए। साथ में अर्चना के लिए हो रही है ब्रेड।